क्रिकेट के लिए पिछले 4-5 दिन बेहद इम्पोर्टेंट रहे हैं, न सिर्फ वनडे क्रिकेट के लिए बल्कि टेस्ट क्रिकेट के लिए। टेस्ट क्रिकेट में जहां एसेस खेला जा रहा है और एसेस में बेहद रोमांचक मुकाबले हुए हैं, न सिर्फ पहला टेस्ट बल्कि दूसरा टेस्ट में। और इधर वनडे वर्ल्ड कप में एक सबसे बड़ी खबर ये आई है कि वेस्ट इंडीज़ यानी 2 बार का वर्ल्ड चैम्पियन जो टीम है वो वनडे वर्ल्ड कप 2023 के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकती है। और इन दोनों से बड़ी खबर जिस पर मैं अभी आ रहा हूँ, और वो ये है कि इन दोनों बड़ी खबरों पर भी एक खबर भारी पड़ रही है, ये कंट्रोवर्सी, और वो है बेयरस्टो का आउट होना। जॉनी बेयरस्टो जो विकेटकीपर बल्लेबाज हैं इंग्लैंड के, और जिन्हें जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने आउट हुआ उस पर बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है। दुनिया भर के खिलाड़ी बट गए हैं, कोई इसे लॉ के हिसाब से सही बता रहा है और कोई कह रहा है कि नहीं, स्पिरिट ऑफ द गेम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार लॉ के ऊपर हमें स्पिरिट ऑफ द गेम रखना पड़ता है। तो आखिर ये बवाल क्या है, क्यों इतनी कंट्रोवर्सी हुई, पहले मैं इसकी शुरुआत में आता हूँ कि ये हुआ क्या है, घटना क्या है, उसके बाद कुछ बड़े खिलाड़ियों के बताऊंगा मैं उसमें प्रतिक्रियाएँ क्या रही हैं, क्या इंग्लिश कैप्टन कह रहे हैं, क्या ऑस्ट्रेलियन कैप्टन कह रहे हैं, क्या भारत के पूर्व कप्तान कह रहे हैं कुछ, क्या उनकी भी कोई राय है, और उसके बाद मैं आप पर छोड़ूंगा कि ये आप तय करें कि यह सही है या गलत। तो ये जो सारी कंट्रोवर्सी है, दरअसल ये इंग्लैंड वर्सेज ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच, सेकेंड टेस्ट मैच जो लॉर्ड्स में खेला जा रहा है, उसके 5वें दिन टेस्ट मैच को जीतने के लिए इंग्लैंड को टारगेट मिला था 371 रन का। ऑस्ट्रेलिया ने यह टारगेट जब दिया तो निश्चित रूप से ये बड़ा मुश्किल टारगेट होता है, जब भी टेस्ट क्रिकेट में 300 350 से बड़ा टारगेट हो जाए। इंग्लैंड ने इसका ठीक ठाक जवाब दिया, एक समय वो 5 विकेट पर 193 रन बना चुके थे। यही वो वक्त था जिस वक्त ये कंट्रोवर्सी हुई। हुआ ये कि मैच का यानी चौथी पारी का जो 52वां ओवर था उसकी आखिरी गेंद को बाउंसर समझकर डक किया जॉनी बेयरस्टो ने। बेयरस्टो इस गेंद को डक करते हैं और गेंद विकेट कीपर एलेक्स कैरी के ग्लव्स में जाती है। चूंकि यह ओवर की आखिरी गेंद थी जिसे डक किया था बेयरस्टो ने, और उसके बाद विकेट कीपर ने आसानी से इसे कलेक्ट किया था, तो इसमें कोई रन बनने की गुंजाइश थी भी नहीं। और चूंकि यह गेंद ओवर की आखिरी थी, बेयरस्टो को ये लगा कि चूंकि इसमें रन बना नहीं है, उन्होंने रन बनाने की कोशिश नहीं की है, विकेट कीपर जो विकेट से कम 15-20 फीट पीछे खड़े हैं, उन्होंने गेंद कलेक्ट कर ली है, यानी गेंद डेड हो गई है, और यह मान करके वो आगे निकल जाते हैं बात करने के लिए अपने कप्तान जो दूसरे एंड पर थे। और चूंकि ओवर ख़त्म होने के बाद आमतौर पर बातचीत करते हैं दो बल्लेबाज, बेन स्टोक्स के पास जाने के लिए वो आगे बढ़ते हैं। रन लेने का उनका कोई इरादा नहीं था और ना ही वो इस इरादे से आगे बढ़े थे, और वो वीडियो में साफ देखा भी जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बात इम्पॉर्टेंट यह थी कि अंपायर ने इसे तब तक इसे डेड बॉल घोषित नहीं किया था, और एलेक्स कैरी ने तेजी दिखाते हुए स्टंप्स पर गेंद थ्रो की, उन्होंने अंडर आर्म थ्रो किया जो स्टंप्स पर लगी। जब बॉल स्टंप्स पर लगती है तब करीब 2 से 3 कदम आगे हो चुके होते हैं जॉनी बेयरस्टो। ऑस्ट्रेलिया आउट की अपील करता है और उसके बाद अंपायर उसे थर्ड अंपायर के लिए रेफर करते हैं कि ये आउट है कि नहीं। चूंकि मामला थर्ड अंपायर के पास गया, उन्होंने लॉ के मुताबिक इसे आउट दिया। यहीं से सारा बवाल शुरू हुआ, क्योंकि जॉनी बेयरस्टो ये मान करके चल रहे थे, या बेन स्टोक्स ही मान करके चल रहे थे कि ये रन लेने की कोशिश में तो थे ही नहीं, ओवर ख़त्म हुआ है, बॉल डेड हो चुकी है, और इस नाते वो उम्मीद कर रहे थे कि अगर लॉ के मुताबिक भी ये आउट हो गया है, अंपायर ने आउट दिया है, तो ऑस्ट्रेलियन टीम या ऑस्ट्रेलियन कप्तान की कोशिश ये होनी चाहिए या उनका रवैया ये होना चाहिए था कि स्पिरिट ऑफ द गेम के नाते वो फैसला वापस लेते, अपनी अपील वापस लेते। बहरहाल ऐसा हुआ नहीं, ऑस्ट्रेलिया ने अपील वापस नहीं ली, आउट हुए बेयरस्टो, स्टंपिंग आउट हुए। और यहाँ ये ध्यान रखने की बात है कि ये स्टंपिंग जो विकेट कीपर ने की है कम से कम 20 फीट दूर से की, तो खैर इसीलिए सारा बवाल हुआ। ये भी इस तरह की बहस भी होती रही सोशल मीडिया पे कि ये रन आउट है कि स्टंपिंग है, इस पर खैर मैं बाद में जाऊँगा। अभी फ़िलहाल यही कि इस पूरी घटनाक्रम के बाद या कंट्रोवर्सी के बाद क्या रिएक्शंस आए। तो रिएक्शन पहले विनिंग कैप्टन की ओर से, जो पैट कमिंस ने कहा, पैट कमिंस ने साफ कहा कि अगर ये लॉ के तहत आउट है और वो जीतने के लिए आए हैं तो वो आउट मांगेंगे, और अंपायर ने आउट दिया है तो इसमें किसी तरह के बहस की गुंजाइश नहीं है, आउट मतलब आउट।
दूसरी तरफ बेन स्टोक्स ने साफ कहा कि अगर उन्हें इस तरीके से जीत मिलती है, अगर उन्हें स्पिरिट ऑफ द गेम को तोड़ करके या एक तरह से खेल भावना को भंग करके जीत मिलती है तो वो ऐसी जीत नहीं चाहते। अब ये तो विनिंग कैप्टन और लूजिंग कैप्टन के हिसाब से चीज़ें हो गई। बहुत बार वो अपनी टीम को, अपने फैसले को डिफेंड करते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा बाहर निकलते हैं और हम देखते हैं कि जो क्रिकेटर, पूर्व क्रिकेटर हैं, उनकी क्या राय रही। तो मैं इसमें तीन चार इंडियन क्रिकेटर्स की बात करूँगा और उससे थोड़ा सा आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि क्या हुआ, या अपनी कोई राय भी बना सकते हैं। खेल भावना की बात जब आती है तो हमने बहुत बार देखा है अश्विन का नाम बड़ा जल्दी आता है, याद आता है। दरअसल उन्होंने मॉन्किंग की है, कई बार की है, जिसे अब रन आउट कहा जाने लगा है। और मॉन्किंग एक ऐसा आउट करने का तरीका रहा पहले, या अब जो रन आउट हो गया है, उसमें हमेशा इस बात पर बहस होती रही कि खेल भावना का पालन किया जाना चाहिए, जबकि लॉ के अनुसार तो वो आउट ही होता है। तो जब ये विवाद पूरा पैदा हुआ तो अश्विन का इसमें सीधा और तुरंत रिएक्शन आया। उन्होंने कहा कि लॉ के तहत आउट है, इसलिए इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं है, बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आउट मीन्स आउट। एक तरह से वो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की तरफ दिखते हैं, या कहें तो हम ऑस्ट्रेलिया की बजाय वो अपने उस रवैये पर हैं जो उन्होंने पहले भी कहा है। लेकिन हम गौतम गंभीर को जानते हैं, इंडिया के लिए पूर्व कैप्टनसी पूर्व कप्तान रहे हैं, बड़ी बड़ी पारियाँ खेली हैं उन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल्स में। उन्होंने साफ कहा, गंभीर ने ट्वीट किया कि अरे स्लेजर्स, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को टारगेट करके कहा है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का नाम नहीं लिया है। उन्होंने लिखा कि क्या खेल भावना आप पर भी लागू होती है या यह सिर्फ इंडियंस के लिए है। और गौतम गंभीर के ही साथी खिलाड़ी रहे स्टार कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने इस पूरे मसले पर कहा कि जो लॉ है वो लॉ है, लॉ के अनुसार ही चलना चाहिए। तो एक तरह से क्रिकेट बिरादरी भी बटी हुई दिखती है। बहुत सारे क्रिकेटर्स लॉ की तरफ जा रहे हैं, लेकिन गौतम गंभीर जैसे खिलाड़ियों ने साफ कहा कि हमें लॉ ऑफ स्पिरिट नहीं भूलना चाहिए। और इस बीच एक धोनी के फैसले का एक पुराना वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने इयान बेल को रन आउट दिए जाने के बावजूद अपने फैसले या इंडिया की तरफ से की गई अपील को वापस ले लिया था। उसमें रन आउट दिया गया था थर्ड अंपायर की ओर से इयान बेल को, लेकिन उसमें साफ था कि इयान बेल रन लेने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वो साथी बल्लेबाज से बात कर रहे थे। तो वही बात है कि आप किस साइड होना चाहते हैं, ये बहुत महीन रेखा है, बहुत बारीक रेखा है, जहाँ पर खेल भावना और लॉ हमेशा एक बात तो यही है कि जो बेन स्टोक्स ने भी कही कि हाँ बेरस्टो आउट थे, लेकिन क्या उन्हें आउट दिया जाना चाहिए था, क्या वो आउट रन लेने जा रहे थे, वही गेम और स्पिरिट की बात है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको भी ये तय करना पड़ेगा कि हमें किस साइड रहना है। ये बहुत महीन रेखा है, इस पर किसी को ज़्यादा ब्लेम नहीं किया जा सकता। न्यूज 18 ओरिजिनल्स के इस वीडियो में आज इतना ही। मुझे विजय प्रभात को दीजिए इजाज़त।